हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो जनवरी से जुलाई तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें अब तक के जितने सूचकांक जारी हुए हैं, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चालू की गई हैं या जितने इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, उन सबको लिया है। खेल जगत से संबंधित सभी सारी जानकारियाँ ले ली गई हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। और इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि पिछले वीडियो में मैंने जो राजेश कुमार तिवारी जी, उन्होंने दो प्रश्नों पर संदेह किया था, तो उन प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। लॉरियस पुरस्कार से संबंधित था एक प्रश्न, और भावांतर भरपाई योजना या भुगतान योजना से संबंधित था। लॉरियस जो पुरस्कार है, ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। तो इसमें जनवरी में नामित किया गया था, जिसका मैंने नाम बताया था, चीन के जो खिलाड़ी थे लाई वी चाई को, लेकिन उनको ये पुरस्कार मिला नहीं है, ये 3 महीने बाद मिला था पुरस्कार। तो लॉरियस पुरस्कार से संबंधित 3-4 पॉइंट है, वो याद रखने हैं। पहला, एडविन मॉस को ये वर्ल्ड स्पोर्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। एडविन मॉस को, सेरेना विलियम्स को स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मिला है, और रोजर फेडरर को स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर मिला है। मार्सेल हग, जिनको दिव्यांग श्रेणी में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, वो मार्सेल हग है, उनको नहीं मिला है, जो चीन के थे खिलाड़ी नामित हुए थे। दूसरा पॉइंट था भावांतर भरपाई योजना, इसी को भावांतर भुगतान योजना, दोनों एक ही हैं। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, और बाद में इसको हरियाणा ने भी लागू किया है, जिसमें कि जो सब्जियों के दाम होते हैं, अगर वो कम हो जाते हैं तो बाकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे अगर कम होते हैं तो बाकी की धनराशि सरकार मुहैया कराएगी, सरकार भरेगी। तो ये पिछले वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब आज की वीडियो शुरुआत करते हैं और देखते कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य के 2 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। ये 2 समुदाय हैं कर्नाटक के, जिनका नाम है तलवारा और परिवारा, तलवारा और परिवारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 133 रैंक आई है भारत की। पिछले वर्ष इसकी रैंक 122 थी। 156 देशों की सूची तैयार की गई है इसमें, और इस पर भी इंपॉर्टेंट है कि पहला रैंक किसका है, ये फिनलैंड का है, जो कि पिछले साल नॉर्वे का स्थान था, यहाँ पर अब फिनलैंड का है इस साल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये भारत में निर्मित था, फ्रिगेट INS गंगा, इसको सेवा विमुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ये 4 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी पत्थर की गुफा कहाँ पर पाई गई है। ये मेघालय में पाई गई है, 24,000 मीटर है ये, नाम है क्रेम पुरी इसका। और इससे पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अंडर वाटर टनल जो सबसे लंबी मैक्सिको में पाई गई है, 347 किलोमीटर लंबी है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में अबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये गणित का नोबेल कहा जाता है अबेल पुरस्कार को, ये रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तमिलनाडु में खोला गया है ये। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 350 रुपये का सिक्का जारी किया है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर, 350वीं जयंती थी उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में 350 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट है, म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ये विन मित हैं, इनको चुना गया है म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है, हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। BCCI के पूर्व चेयरमैन अनुराग ठाकुर को हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मियामी ओपन का खिताब किसने जीता। ये महिला की कैटेगरी में स्लोएन स्टीफेंस ने जीता है मियामी ओपन का खिताब, और पुरुष वर्ग में जॉन इस्नर ने जीता है, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है। ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म डे, जिसका इस बार का विषय है ऑटिज्म से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। अब्दुल फतह अल सीसी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट है, रूपश्री योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, जिसके तहत युवतियों को शादी के लिए 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह की एक योजना उत्तर प्रदेश में भी शुरू की गई है। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है केरल ने, पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है ये संतोष ट्रॉफी का खिताब, फुटबॉल मैच होता है ये। नेक्स्ट है, मियामी ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। अभी मैंने बताया जॉन इस्नर ने जीता है, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का अब तक
के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का क्या नाम है? गगन शक्ति 2018 सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम है ये भारतीय वायुसेना का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल किस देश में स्थित है? ये चीन में है, 55 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल है ये, समुद्र के ऊपर है ये पुल। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गोवर्धन योजना शुरू की गई है हरियाणा के अंदर, जहां पर अभी हाल ही में भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इसका इस बार का विषय क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवच सबके लिए और हर जगह। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में सखी गुलाबी मतदान केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? ये कर्नाटका में लिया गया है, जहां पर सभी कार्यकर्ता महिलाएं होंगी। नेक्स्ट है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? देखिए ये अप्रैल का है, अप्रैल मई का है ये, तो उस समय किदांबी श्रीकांत थे, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी आप बताइए कि इस समय विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। नेक्स्ट है, हाल ही में वन धन विकास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म कहां पर स्थापित किया गया है? ये मोरक्को की एटलस पहाड़ी पर किया गया है, जिसके प्लांट का नाम होगा नूर, और ये लगभग 600 फुटबॉल मैदान के बराबर होगा, ये बहुत बड़ा फार्म होगा ये। नेक्स्ट है, 11 गॉड्स एंड अ बिलियन इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बोरिया मजुमदार ने लिखी है, ये क्रिकेट किस जगत से संबंधित है, जिसमें भारतीय क्रिकेट के अनछुए पहलुओं को इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है, अबू धाबी ओपन का खिताब किसने जीता है? ये रमित टंडन ने जीता है अबू धाबी ओपन का खिताब। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता और खुले में शौच को लेकर जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 की मेजबानी कौन करने वाला है? मॉरिशस करेगा इस बार 2018 की मेजबानी, जिसका विषय होगा वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका इस बार का इस वर्ष का विषय है आदरणीय मातृत्व देखभाल। नेक्स्ट होगा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये वेल्स के हैं मार्क विलियम, स्नूकर चैंपियनशिप, और भारत के बहुत ही स्नूकर खिलाड़ी बहुत बड़े कौन है? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष इसकी तारीख बदल जाती है, तो मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट है, हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है चेक रिपब्लिक की पेत्रा क्वितोवा ने। नेक्स्ट है, नर्सिंग डे कब मनाया जाता है? ये 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई व्यापार आशावाद सूचकांक सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है ये, भारत को 6वां स्थान पर प्राप्त हुआ है, जिसके तहत अब ये माना गया कि व्यापार के लिए भारत एक बहुत ही अनुकूल देश हो चुका है, 37 देशों के में ये सूची तैयार की गई है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? नेपाल, जिसमें समूह में कितने देश हैं? 7 देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये शशांक मनोहर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मूर्तिकार हैं ये, उत्तम पचरने। हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी महिला हॉकी का खिताब किस देश ने जीता है? ये दक्षिण कोरिया को जीता है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत को हराया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने GST समाप्त करने की घोषणा की है? 1 जून 2018 से मलेशिया में GST को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार परियोजना शुरू की गई है?
ये गुजरात में शुरू की गई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। पहले 48 घंटों के उपचार का वहन राज्य सरकार करेगी। होता यही है कि जैसे ही कोई रोड एक्सीडेंट होता है, पहले तो उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता है। अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है भी है, तो कितनी भी सीवियर इंजरी हो, लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, फिर वो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा टाइम खर्च हो जाता है, जिससे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन नहीं बचा पाते हैं डॉक्टर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जीना हास्पिल को नियुक्त किया गया है, जीना हास्पिल। नेक्स्ट है, हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये ओल्गा टोकारचुक है, फ्लाइट बुक के लिए इनको दिया गया है। ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में दो लोगों को सम्मान मिलता है इसका, एक तो वो जो राइटर होते हैं जो बुक लिखते हैं, और जो दूसरे ट्रांसलेटर होते हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो ये पुरस्कार दो लोगों को मिला है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में है वो। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन सोलर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहले रेलवे स्टेशन बना है? ये असम का गुवाहाटी है, ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से चलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों ने यरूशलम में अपना दूतावास खोला है? अमेरिका, पराग्वे और ग्वाटेमाला ने खोला है। ये बहुत ही विवाद वाला विषय था, तेल अवीव से इन्होंने शिफ्ट किया है अमेरिका, वो यरूशलम में शिफ्ट किया है अमेरिका, पराग्वे, ग्वाटेमाला ने। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, निपाह वायरस का पता सबसे पहले कहां लगाया गया था? ये मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पता लगाया गया था, चमगादड़ से फैलता है ये, जिसको फ्रूट बैट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रोम ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है रोम ओपन टेनिस का खिताब। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने शुरू कर दिया है? ये असम ने किया है, बहुत ही अच्छी योजना है ये भी। नेक्स्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, चंद्रमौली कुमार प्रसाद को नियुक्त किया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, भारत व नेपाल के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ये सूर्य किरण नाम है, भारत नेपाल के बीच में जो आयोजित सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इंडिया और फ्रांस की एक योजना थी, नीदरलैंड ने अभी ज्वाइन किया है, 64वां देश बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में थॉमस कप का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है जापान को हराकर, ये कप चीन 10 बार जीत चुका है, ये बैडमिंटन कप मैच होता है इसमें। हाल ही में पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नासिर उल मुल्क को, लेकिन अभी हाल ही में चुनाव हो चुके हैं, लगभग तय हो चुका है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उस समय कोई भी नहीं था तो नासिर उल मुल्क को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, IPL 11 का खिताब किस टीम ने और जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है इस बार का IPL, ये सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हरा कर जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पंकज सरन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इब्राहिम किशोरी फोफोना है, गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। नेक्स्ट है, हाल ही में लिन नियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, इसकी स्थापना 1888 में हुई थी और स्थापना से लेकर आज तक किसी भी भारतीय को ये पुरस्कार नहीं मिला था, बस इस बार मिला है वनस्पति वैज्ञानिक श्री कमलजीत बाबा को, ये वनस्पति वैज्ञानिकों को मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए किरण कुमार और कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, कैलाश सत्यार्थी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नोबेल प्राइज मिल चुका है मलाला यूसुफजई के साथ इनको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीती है, सौराष्ट्र को हराकर जीता है ये। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है, इसी दिन 30 मई 1826 में पश्चिम बंगाल में युगल किशोर शुक्ल ने प्रथम हिंदी समाचार पत्र निकाला था, तो इसी दिन के उपलक्ष्य में ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, इस बार का विषय क्या था? तंबाकू व हृदय रोग। नेक्स्ट है, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब्दुल फतह अल सीसी को नियुक्त किया गया मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा होगा, 141 मीटर की ऊंचाई पर होगा ये,
ये गुवाहाटी के पास नोनी के इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर? इजाई नदी पर बनाया जा रहा है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, और जिसका इस बार का विषय क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। पीसीएस में आ चुका है ये पेपर, यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट है, सुकोत्रा द्वीप में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए शुरू किया गया अभियान का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान था ये, ऑपरेशन निस्तर नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गोपबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? उड़ीसा में शुरू की गई है, ये पत्रकारों के लिए है, जिसके तहत 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? ये कैगिसो रबाडा हैं, इनको सम्मानित किया गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर से दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही बुरा स्थान है भारत का, 180 देशों में 177 रैंक है, और यही 2016 में 141वीं रैंक थी। अब प्रदूषण से ही संबंधित कुछ और जानकारी ले लेते हैं। उत्तर जो विश्व के टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं, उनमें 10 में से 9 भारत के हैं, सिर्फ एक कैमरून का है देश, तो उसको देख लेते हैं पहले। पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है हमारे देश का, कानपुर है, बल्कि पूरे विश्व का पोल्यूटेड सिटी है कानपुर। ये नापा जाता है पर्टिकुलेट मीटर, एक होता है 2.5 और 10, तो पर्टिकुलेट मीटर 2.5 के ऊपर ये नापा जाता है, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है माइक्रो क्यूबिक मीटर में ये नापा जाता है, 10 माइक्रोग्राम क्यूबिक पर मीटर ये होता है नॉर्मल रेंज। लेकिन कानपुर में कितनी पाई जाती है? ये 173 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पाया जाता है, नॉर्मल रेंज से बहुत बहुत ज़्यादा है ये एवरेज है, ये इससे भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर पहले नंबर पर जो पोल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड की, कानपुर है। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है, तीसरे नंबर पर वाराणसी है, चौथे नंबर पर गया है, पाँचवें नंबर पर पटना है, 6th नंबर पर दिल्ली है, और 7th नंबर पर लखनऊ है, और 8th नंबर पर बस किसी और को जगह मिली है, बमीदा एक सिटी है कैमरून का, वो उनको उसको जगह मिली है, और 9th नंबर पर आगरा है, और 10th नंबर पर मुजफ्फरपुर है। तो इन सभी हम पोल्यूटेड सिटी को अगर देखते हैं तो यूपी बिहार के ही शहर हैं, और साउथ का कोई भी शहर नहीं है, पंजाब का कोई शहर नहीं है, हरियाणा का फरीदाबाद है। तो इस तरह से हम नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है साउथ इंडिया की बजाय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को सम्मानित किया गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार से। नेक्स्ट है, दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी जिसने T20 में 2000 रन पूरे किए हैं, मिताली राज हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट है, पहला दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एशिया कप T20 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये बांग्लादेश ने जीता है भारत को हराकर, 3 विकेट से हराया है भारत को बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता है? फ्रेंच ओपन का जीता है रोमानिया की सिमोन हालेप ने, अमेरिका की स्लोवेन स्टीफेंस को हराकर जीता है ये, अमेरिका की स्लोवेन स्टीफेंस को, रोमानिया की हैं ये सिमोन हालेप। नेक्स्ट है, हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है? ये किन शहरों के बीच शुरू की गई है? ये जोधपुर से बांद्रा के बीच में शुरू की जाएगी, ये बहुत ही अत्याधुनिक ट्रेन है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये शरद कुमार जी को नियुक्त किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में, प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सक्सेना को नियुक्त किया गया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, लेड टू रेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? लेड टू रेस्ट पुस्तक के लेखक है आशीष रे। विषय क्या है इस पुस्तक का पूरा? इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के आखिरी दिनों और विमान हादसे में उनकी कथित मृत्यु से जुड़ी हुई सभी घटनाओं को संकलित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस
कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वह मोबाइल ऐप जो रेल सूचना प्रणाली केंद्र ने कैशलेस टिकट के लिए विकसित किया गया, उस ऐप का नाम क्या है? ये अर्सन मोबाइल नाम है, अर्सन मोबाइल ऐप नाम है इसका। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कहाँ पर शुरू किया गया? ये रायपुर में शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलने की घोषणा की है? मैसिडोनिया ने अपना नाम बदलने की घोषणा की है, अब नाम उनका होगा उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य। नेक्स्ट है, जापानी इंपीरियल डेकोरेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये तरुण दास को सम्मानित किया गया है, जापान और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इवान ड्यूक को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित किया सुपर लीग में उपस्थित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर किस देश में लॉन्च किया गया है? अमेरिका ने लॉन्च किया है। 1 सेकंड में 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है ये। नेक्स्ट है, विश्व पितृ दिवस यानी कि पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? जून के तीसरे रविवार, हर साल इसकी तारीख बदल जाती है, तो जून के 3rd संडे को मनाया जाता है ये पेरेंट्स डे, सॉरी फादर्स डे मनाया जाता है ये। हाल ही में किस राज्य ने 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है? हरियाणा ने शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये, 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। किस राज्य ने हाल ही में बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने किया है, व्यवसाय को बिजनेस को सरल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है पंजाब ने। किस राज्य में कैंसर केयर फाउंडेशन की शुरुआत की गई है? कैंसर केयर फाउंडेशन की शुरुआत की गई है असम राज्य में। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? अनुकृति वास ने जीता है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, डिटेल पूरा अगर जानना है तो वो वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने आई हरियाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये हरियाणा ने, ये सॉरी पंजाब ने किया है, आई हरियाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र कहाँ पर खोला गया है? गुजरात के गांधीनगर में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर कहाँ पर विकसित किया गया है? ये चाइना में नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे, वाशिंगटन में किया गया है, जिसका नाम होगा मिशिगन माइक्रोमोट। 3 मिलीमीटर की इसकी साइज होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये विश्वास मांडलिक जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ये क्यों सम्मानित किया गया? योग को बढ़ावा देने के लिए इनको ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अर्दगन को चुना गया है, रजब तैयब अर्दगन को, 15 वर्षों से ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सूर्य शक्ति योजना प्रारंभ की है? गुजरात ने की है सूर्य शक्ति योजना प्रारंभ, जिसके तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड्स 2018 में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इरफान खान को सम्मानित किया गया है। किस फिल्म के लिए? हिंदी मीडियम के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिजीत बासु को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पानी बचाओ पैसे बचाओ योजना शुरू की है? पंजाब ने की है। पंजाब में पानी का बहुत ही दोहन हुआ है, जब हरित क्रांति हुई थी तो पानी जो वाटर लेवल है पंजाब का बहुत ही नीचे है और सब राज्यों की अपेक्षा, तो इसी के लिए पानी बचाओ पैसे बचाओ आंदोलन वहां पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? ये लॉरेंस हद्दाद हैं एवं डॉक्टर डेविड नाबरो। ये डेविड नाबरो पहले भारतीय हैं जिनको ये विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेता को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर हैं। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नौसेना अभ्यास का पहला संस्करण किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? ये पहला संस्करण है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत व बांग्लादेश के बीच में किया गया है।
नेक्स्ट है, भारत में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर सबसे पहले कहाँ प्रतिबंध लगाया गया था? हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है प्लास्टिक बैग पर, लेकिन सबसे पहले 1998 में सिक्किम में लगाया गया था प्रतिबंध। नेक्स्ट है, 2018 आईसीसी महिला विश्व कप 20 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? वेस्टइंडीज को सौंपी गई है। 9 से 24 नवंबर के बीच होगा, 10 टीम इसमें हिस्सा लेने वाली है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र कुटीर लघु और मध्यम आकार उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? पाकिस्तान को किया गया। आतंकियों को वित्तीय संसाधनों पर रोक लगा पाने में नाकाम रहा है पाकिस्तान, इसकी वजह से इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप में मेजबान के रूप में सबसे पहला खिताब किसने जीता था? अभी तक 6 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने मेजबानी भी की है और फीफा विश्व कप का खिताब भी जीता है, वो कौन कौन सी कंट्री है? उरुग्वे ने 1930 में मेजबानी की थी और ये पहला फीफा विश्व कप मैच भी था जिसमें उरुग्वे ने ही जीता था। दूसरा हुआ था 1934 में इटली में, जिसको इटली ने जीता था। फिर 1966 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसको इंग्लैंड ने ही जीता था। फिर वेस्ट जर्मनी ने जीता था 1974 में, मेजबानी भी जर्मनी ने ही की थी। और अर्जेंटीना ने 1978 में जीता था और फ्रांस ने 1998 में जीता था। और अभी हाल ही का रूस में जो हुआ है वो फ्रांस ने जीता है। नेक्स्ट है, गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रीयूनाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया और किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी की एक संस्था है, बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था के द्वारा ये किया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में शुरू किया गया था ये कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है आप सभी जानते हैं। इसमें 80,000 बच्चों को बचा चुके हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। 15 प्रदेश के 200 जिलों में ये कार्यरत हैं, लगभग 70,000 स्वयंसेवक हैं ये। नेक्स्ट है, हाल ही में कन्या वन समृद्धि योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इसमें होगा क्या, लड़की पैदा होने पर 10 पौधे मुफ्त में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की बात हो रही है, इसमें सौरभ चौधरी ने जीता है, मात्र 16 साल के हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जर्मनी में हुआ था ये, सुहाल में, वहाँ जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना। किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राहुल द्रविड़ को अभी हाल ही में शामिल किया गया, 5वें खिलाड़ी बन गए हैं भारत के। इससे पहले बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव और अनिल कुंबले को शामिल किया जा चुका है हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अजोला मेनन को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से। नेक्स्ट, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शोएब मलिक बने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन जीता है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने भारत को हराया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की गई है? राजस्थान में शुरू की गई है अन्नपूर्णा दूध योजना। इसके तहत 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को, कक्षा तक के विद्यार्थियों को, 1 हफ्ते में 3 बार दूध दिया जाएगा पीने के लिए। नेक्स्ट, द स्पिरिट टू सर्व पुस्तक के लेखक कौन है? W. मैरियट इसके लेखक है। इसमें लिखा गया है कि मेहनत, दृढ़ता और अपने कार्य पर ध्यान ही सफलता की कुंजी है, सफलता दिलाती है। नेक्स्ट, कबड्डी मास्टर्स का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, बहुत बहुत ही स्ट्रांग है कबड्डी में, ईरान को हराया है। नेक्स्ट है, मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ली चिंग वेई ने जीता है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये उरुग्वे के मेजर जनरल है जॉस एलाडियो को नियुक्त किया गया, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एल नरसिम्हा रेड्डी जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ये सिविल सेवक जितने भी होते हैं उनसे जुड़े हुए मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिए ये ट्रिब्यूनल का स्थगन वो स्थापित किया गया था। ये एल नरसिम्हा रेड्डी पहले उच्च न्यायालय के पूरे न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दिया गया? यूपी में लगाया गया, ये 19वां राज्य हो गया है प्रतिबंध लगाने के बाद से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सभी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है? पंजाब में किया गया, या तो पदोन्नति हो या भर्ती प्रक्रिया हो, उन सभी प्रक्रियाओं में पंजाब में डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट,
कोयले की चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? खान प्रहरी लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या कर सकते हैं लोग, अगर कोई भी अनोमली होती है, चोरी होती है, उसकी फ़ोटो या इन्फॉर्मेशन इस ऐप के जरिए आप दे सकते हैं और ये सीधे कोयला मंत्रालय तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने आचार संहिता तोड़ने की शिकायत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये देखिए सी विजिल लॉन्च किया है, चुनाव आयोग की तरफ से ये लॉन्च हुआ है। इसके तहत होगा क्या कि अगर कोई भी शिकायत होती है आचार संहिता से संबंधित, तो आप उसकी तस्वीर भेज सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं सी विजिल ऐप पर, और इस पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और ये एप्लीकेशन वहीं पर शुरू किए मतलब एक्टिवेट होगा जहां पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सभी कर्मचारियों को डॉप टेस्ट अनिवार्य किया? पंजाब ने किया है, अभी बता चुका हूं। कोयले की चोरी रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अभी बता चुका हूं, खान प्रहरी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा किया गया है? अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया गया है ये। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी को नियुक्त किया गया है, अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदर्श कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस शहर में खुशी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या 500 से अधिक मैच खेले हैं? ये खेले हैं तीन खिलाड़ियों ने, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 664 रन खेले हैं, राहुल द्रविड़ जिन्होंने 509 रन मैच खेले हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है या कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? देखिए स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में। अब भारत का स्थान कौन सा है? 57वां, 2018 का रैंक है। पिछले साल 2017 में क्या रैंक थी? 60 रैंक थी, 60। नेक्स्ट है, पहला भारतीय नौसेना जहाज जो इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाला युद्धपोत बन गया है। देखिए सबांग बंदरगाह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। और कौन सा युद्धपोत बना है जो इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह में प्रवेश किया है? INS सुमित्रा। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है? हिमा दास ने जीता है, ये पहली भारतीय महिला ने है जिन्होंने ये एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, किस दूरसंचार कंपनी ने हाल ही में टेलीफोन सेवा शुरू की है? यह BSNL ने शुरू की है टेलीफोन सेवा। इसके तहत क्या होगा, इंटरनेट की मदद से आप कहीं भी किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉलिंग हो या कॉन्फ्रेंसिंग हो, किसी तरह भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, इसमें BSNL का नेट हो, सिम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई है? ये गुजरात में की गई है सीमा दर्शन परियोजना। सीमावर्ती जो राज्य होते हैं बॉर्डर से सटे हुए, उनके आर्थिक विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। और ये बाघा बॉर्डर की तर्ज पर यहाँ पर एक प्रदर्शनी हॉल, 5,000 लोगों के लिए एक थिएटर और एक परेड ग्राउंड भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल को पूरी खेल की पूरी टीम को टारगेट ओलंपिक पोडियम में शामिल किया गया है? ये पुरुष हॉकी टीम है। इसके तहत क्या होगा कि सक्षम बनाना होगा आने वाले ओलंपिक खेलों के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को। किस राज्य में दुर्गा शक्ति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? हरियाणा में लॉन्च किया गया है दुर्गा शक्ति ऐप। नेक्स्ट है, किस राज्य में अन्ना कैंटीन योजना शुरू की गई है? ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। TDP के संस्थापक थे AT रामाराव, ये एक राजनीतिक पार्टी है, उसी के संस्थापक हैं, उन्हीं के नाम पर किया गया है ये। नेक्स्ट है, मेघालय युग से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय विज्ञान संघ के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास में एक नए अध्याय को जिसका नाम होगा मेघालय युग के रूप में वर्गीकृत किया है। ये 4200 साल का इतिहास होगा जिसमें जलवायु और सब कुछ शामिल होगा इसमें। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? मोहम्मद कैफ हैं, इन्होंने वर्ष 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ करियर की शुरुआत की थी। अब तक ये 13 टेस्ट और 125 वनडे खेल चुके हैं, जिसमें ये 2 शतक और 17 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। ये वनडे मैच में कितने रन बनाए हैं? 2753 रन और टेस्ट मैच में 624 रन बनाए हैं। भारत का सबसे बड़ा वीजा केंद्र किस देश में खोला गया है? बांग्लादेश में खोला गया है भारत का सबसे बड़ा वीजा केंद्र। नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस से जुड़ी जानकारी, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एंजेलिक कर्बर ने जीता है और पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
पहला महिला विश्व कप फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क ने जीता है इटली को हराकर। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? ये हैरी कैन है, इंग्लैंड के। इन्होंने 6 मैचों में 6 गोल किए हैं, इसके लिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देख लें, सभी जानकारी उसमें है। नेक्स्ट है, किस देश को विश्व सीमा शुल्क संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को चुना गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट है, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने जीता है, पीवी सिंधु को हराया है। नेक्स्ट है, भारत के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में सोटेविले एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? देखिए, राज्यसभा के कुल जो मेंबरशिप है 250 सदस्य होते हैं उसमें, जिसमें 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। प्रत्येक का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें चार लोगों को मनोनीत किया है, जिसमें राकेश सिन्हा है, सोनल मानसिंह है, रघुनाथ महापात्र हैं और राम सकल सिंह हैं। अनुच्छेद 80 के तहत इन्होंने किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे सस्ती पेयजल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार के दरभंगा जिले में शुरू की गई है, विश्व की सबसे सस्ती पेयजल योजना है ये। नेक्स्ट, मिशन सत्यनिष्ठा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये रेलवे ने लॉन्च किया है। क्या होगा इसके तहत? भारतीय रेलवे के 13 लाख कर्मचारी ईमानदारी लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सार्वजनिक रूप से शपथ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, कोची हवाई अड्डे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है, जिसके लिए इनको चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार भी दिया गया है, कोची हवाई अड्डे को। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भरत वाटवानी एवं सोनम वांगचुक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में? रमन मैगसे पुरस्कार से, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। भरत वाटवानी एक मनोचिकित्सक हैं और सोनम वांगचुक को आप सभी जानते हैं, जिनको पर पूरी 3 इडियट बन चुकी है, आमिर खान ने इन्हीं का रोल प्ले किया था। तो ये सेकेंड पार्ट था करंट अफेयर का, जनवरी से लेकर जुलाई तक के पिछले 7 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। पूरे करंट अफेयर्स करने के बाद अब हम डेली करंट अफेयर की, जो डेली करंट अफेयर की मेरी वीडियो होती है, उसमें पिछले 7 महीनों के हम क्विज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर के प्रश्न, जिससे करंट अफेयर का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।